everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Chaliye, start karte apne next example ke saath. Now we are on page number 39, example number 9. Find the remainder when the whole polynomial is divided by x minus 1. So now we have a huge polynomial. Ab hume ise divide karna hai by x minus 1 to find the remainder. But now, अब हम इस एग्जांपल के लिए अपना डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे. इंस्टेड वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम. सो हमें रिमाइंडर थ्योरम ने क्या सिखाया है? फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, हम अभी इस केस में इसी को लेंगे, बट अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है डिनोटेड बाय px, ठीक है, और हम कहते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर टू इट, यानी कि x माइनस a उसको डिवाइड कर रहा है. So, क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेटली अगर हम p की वैल्यू अपने पॉलिनोमियल को a के साथ फाइंड आउट करते हैं, सो दिस वुड बी आर रिमाइंडर. ठीक है, सो इफ अ पॉलिनोमियल इज बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस a, सो p a वुड बी द रिमाइंडर. ठीक है, अब ये p a हमने कैसे निकाला? हमें अल्टीमेटली करना क्या है कि इस वाले टर्म से अपने x की वैल्यू निकालनी है. अगर हम x माइनस a is equals to 0 रखते हैं, that means what we are going to do? We are going to find the 0 of the polynomial. हम इसकी क्या करेंगे? 0 find out करेंगे. So x कितना आ जाएगा हमारा? a के equal हो जाएगा. तो अब हमें करना क्या है? अपने polynomial में x की जगह पे अगर हम a put करते हैं, तो जो भी हमारा answer आता है, that would be our remainder. ठीक है? So बिल्कुल यही process, यही अपना remainder theorem हमें सेम क्वेश्चन में अप्लाई करना है. और उससे हमें फायदा क्या होता है कि वो जो इतना बड़ा हम मेथड कर रहे थे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, सो कैसे प्रोसीड करना है, लेट्स सी. हमारे पास अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी आर गिवन बाय x माइनस 1. तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगा? वी विल गेट x इक्वल्स टू 1. सो हमारा अगर हम a की बात करें तो हमारे पास a आ गया 1. ठीक है, अब हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको एक लेबलिंग कर देते हैं और उसको लिखते हैं. सबसे पहले वी हैव x की पावर 4, x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो वी हैव दिस एज द रिमाइंडर. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? हमें क्या करना है? x की जगह पे उसका 0 रखना है. ठीक है, क्या वैल्यू है यहाँ पर x की? 1 है, ये हमारा a है. अब हम क्या करेंगे? सिंपली इन सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. ठीक है, वी हैव 2, 1 का स्क्वायर, देन 1 प्लस 1. सो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी 1 आ गया, फिर 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करते हुए देखोगे, सो ये आपका 2 बन गया. So 2 माइनस 2 प्लस 2, ये वाले भी 2 हो गए. ठीक है, दो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं. अल्टीमेटली वी हैव p 1 इज इक्वल्स टू 2. सो हमारे पास जो p 1 की वैल्यू आई है वो कितना आई है? 2. सो आवर रिमाइंडर टू द अबव पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2. जब ये पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर के रूप में 2 आ गया. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको वेरीफाई करके देख सकते हो. आई नो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट. व्हाई? क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस था वो और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था. कई कई जगह पे वहां पर मिस्टेक होना रहता है ना. तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या है कि भाई आपको रिमाइंडर अगर इस तरीके से मिल जाए तो बात ही क्या है ना. दैट इज व्हाई वी विल स्टिक टू दिस मेथड ओनली. और अगर हमें कहीं पर भी रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाता है, अगर हमें अपना हमारा मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम इस मेथड के साथ जा सकते हैं और सिंपली अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ आया हो. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय.